वेलकम टू अनदर ब्लॉग। होर सारे सुनाओ तुहाडा की हाल चाल आ। तो अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आई एक होर नवी रैसपी। तो यह रैसपी हैगी आ बेसन का जिहड़ा चिल्ला बनाईदा आपां, बेसन का पूड़ा बनाउने आ, उहदी रैसपी आ। वह आपां अज सब्जी बनावांगे ते मैं तुहानू दिखाउने आ कि कीवें बनाउणी आ। इहदे विच आपां ले आ तीन मैं वड्डे प्याज ले आ, टमाटर ले आ, हरी मिर्च ली आ, लसन ली आ। मिर्चा तुसी आपदे अकॉर्डिंग लै सकदे आ, रैड लैनी जां ग्रीन लैनी आ। मैं दोवें मिक्स लिया वा। तो हुण जिहड़ी आपां प्यूरी बनाउणी आ प्याजां दी, लसन दी ते मिर्चां दी, इह अलग बनावांगे, जे टमाटरां दी अलग रखांगे। इहनां नूं हुण आपां बरीक बरीक कट कर लांगे। सब तों पहलां आपां जिहड़े आपणे प्याज आ इहनां नूं बरीक बरीक कट कर लांगे जी। प्याज मैं इस तरीके कट लिया, लसन आप ही रख लेंगे, तो इन्हों भी आप कट लेंगे इस तरीके। तो टमाटर भी आप जो बरीक बरीक कट कर लेंगे। चलो जी, सारा जो समान है मैं इस तरीके कट कर लिया वा। हूँ आप सारे ग्राइंड कर लेंगे। लसन, मिर्चा तो प्याज में आप अलग ग्राइंड करा। जी जी अपनी प्याज, हरी मिर्च तो लसन की प्यूरी से अलग रख ली है मैं, तो टमाटर की जी अलग रख ली है। इन्हों अलग अलग करके भुना। तो हूँ आप जोड़ा पूड़ा बना बेसन का, वो वास्ते बेसन लै लिया मैं। तो ये पा लेंगे आप थोड़ा थोड़ा नमक, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी जी हल्दी पा लेंगे, थोड़ी जी आप पा लेंगे देगी मिर्च, तो नाल ही आप पा लेंगे थोड़ी जी कसूरी मेथी। इन हाथ से थोड़ा जहा क्रैश जहा कर लेंगे, ये पा देंगे थोड़ा जहा। आप पावे जीरा, तो नाल ही पा लेंगे आप थोड़ी जी अजवाइन। तो इनू आप कर लेंगे मिक्स। तो ये हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर लेंगे, आप पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इनू आप घोल बना लेंगे, यदा ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ज़्यादा पतला हो, बस ठीक जहा हो कि अपना जोड़ा पूड़ा वा बन जाए। लो जी, अपना जोड़ा घोल आ बेसन का रेडी हो गया वा। हूँ मैं तवा रखता गैस से, ये गर्म होगा तो फिर आप जोड़े पूड़े रेडी कर दें। लो जी, अपना तवा जोड़ा गर्म हो गया, तो आप पहला ला लेंगे घ्यो, ग्रीस कर लेंगे चंगे तरीके। तो हम अपना जोड़ा पूड़े वाला बैटर सीगा वो आप इतने पावे। तो आप ला लेंगे, तो ये भी आप हूँ साइडा से घ्यो पा देंगे कि जोड़ा अपना गुड़ा ये नाल चिपके ना तवे पर। तो लो जी, यदि जी आप आ वाली साइड जी उपरली नहीं पकानी हैगी, बस ये आप ही हो जाएगी नीचे, बस पक जाना चाहिए अपना पूड़ा। तो इनू हूँ आप इस तरीके रोल कर देना पूड़े। ये देखो इस तरीके करके इन एक आप प्लेट कट लेंगे। इस तरीके आप सारे पूड़े अपने जोड़े रेडी कर लेंगे। तो जी, अपने जोड़े आह चीले जे रेडी हो गए आ, तीन मैं बना लिया, एक बनी जाता, ये आप बच्चों को दे देंगे खाने वास्ते। तो हूँ आप कटिंग कर लेंगे इस तरीके। चलो जी, अपनी जोड़ी कटिंग हो गई है। तो लो जी, इधर भी मैं एक कढ़ाई रख ली है, गैस में कर लेंगे आप ऑन। पा लेंगे आप रिफाइंड घ्यो, थोड़ा ज़्यादा ही पावे कि ग्रेवी अपनी जी वधिया बने। तो घ्यो नूं आप गर्म होण देवांगे। तो लो जी, ये पावे आप जीरा, एक पा देंगे छोटी इलायची, तो एक पा देंगे वड्डी इलायची। अपना गर्म हो गया, ये वाला आप ये पा देंगे सारा, तो इनू भुन लाओ। तो जीरा इलायची वगैरह भुज गया, हूँ ये पा देंगे अपनी जी आह वाली प्यूरी सी।
पास्ते इस तरीके नाल भुन लेने। तो लो जी 3-4 मिनट हो गए इन भुन दिन मैं, तो हूँ ये आप ऐड कर देंगे अपनी जी टमाटर वाली प्यूरी सी, तेन भी हूँ आप इस तरीके 2-3 मिनट इतनी भुन लेंगे, फिर आप जो अपने मसाले ऐड करा जी। 2-3 मिनट हो गए भुनते हुए, हूँ ये अपने जो मसाले ऐड कर देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, अपने ये हल्दी पा लियो, मिर्च थोड़ी जी, आप देगी मिर्च पा देंगे कलर हो जूगा, तो नाल ही आप पा देंगे गर्म मसाला, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, इन्हों आप सारे मिक्स कर लें। तो इन हम ग्रेवी भी आप 6 से 7 मिनट वास्ते भुन लेंगे चंगे तरीके। तो लो जी अपना जोड़ा मसाला वो भुज चुका वा, 7 से 8 मिनट मैं इन्हू लगा दिते है, तो हूँ ये आप थोड़ा जहा पानी ऐड कर लेंगे, जिन्नी कु तुसी ग्रेवी चाहते हो उन्ना तुसी पानी ये ऐड कर सकते हो, हूँ इस आप पानी ऐड कर लेंगे, भी हम आप चंगे तरीके भुन लाँगे कवर करके, फिर पकावे आप अपनी ग्रेवी। 8 मिनट हो गए अपनी पानी पा के रखी ग्रेवी जी, ये देखो अपनी जी ग्रेवी आ वो भी रेडी हो गई है, तो हूँ ये आप ऐड कर देंगे जोड़े अपने चिल्ले जो बना के रखे थे वो सारे ऐड कर देंगे, तो लो जी वो भी आप ऐड कर दिते हैं, तो हूँ इन्हों भी आप 2 मिनट इस तरीके ओपन में ही पका लेंगे। मिर्च ऐड कर देंगे आप, मेथी भी मिक्स कर लेंगे। वो जी अपनी जी सब्जी है रेडी हो चुकी है, वेखो कि वधिया रहा टेक्सचर आया वा। अपना आज का एक छोटा जिहा ब्लॉग, होप तुहानू सारिआं नूं वधिया लग्गिआ होवे, दब के लाइक शेयर करते रहियो, मिलदे आ तुहानू अगली रेसिपी, उदों तक सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, बाय बाय।